हरिद्वार के रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं मारपीट का पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस मारपीट की घटना में दो कर्मचारी घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंग नहर कोतवाल क्षेत्र के एक गांव से बारात भगवानपुर की तरफ जा रही थी। बारात में करीब 12 से अधिक कार बताई जा रही है, जिनमें करीब 100 लोग सवार बताए जा रहे हैं। जैसे ही बारात की गलियां करौंदी गांव स्थित टोल प्लाजा पर पहुंची तो महंगी गाड़ियों से वीआईपी बनने के चक्कर में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल की वीआईपी लाइन को कैप्चर कर लिया और वीआईपी लेन बंद होने के चलते बैरियर हटाकर वाहन निकालना शुरू कर दिए। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।